हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सा रेसिपी, आप लोगों ने पता नहीं पहले नहीं देखा होगा। ये है धान से बना हुआ एक रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है दूध से खाने से। चलिए फिर इसका प्रोसेस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऐसे लंबा लंबा धान। छोटा धान होने से इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐसे लंबा लंबा धान होना चाहिए। इसको हमने अच्छे से सुखा के रखा था, ये आप देख सकते हो ऐसा। तो इसको भी बनाएंगे। इसी के लिए अभी हमें चाहिए होगा रेत। ये जो हम घर बनाते हैं उसका ही रेत है, और जो नदी के किनारे में मिलता है वो उससे भी बना सकते हैं। तो एक मुट्ठी भर के हमने लिया धान, तो धान को हम डाल देंगे। आग भी मीडियम फ्लेम में ही है और हम लकड़ी में ही बना रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फैलता है इसलिए। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं ऐसे फूटेगा भी, ये देख सकते हो आप लोग। इसी तरह ऐसे चलाते रहना है और ये पूरा ऐसे मतलब हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से ये फूट रही है, मतलब धान से ये निकल रही है। इसको हम बोलते हैं खोई, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे आसाम में ये तो इसको खोई ही बोलता है। आप लोग देख सकते हो ऐसे निकाले। मैं और एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और रेत से मिलाते रहना है, और रेत को अच्छे से गर्म करना है पहले, उसके बाद ही डालना है। ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छे से फूट रही है धान, जितना भी धान है धान से ये अच्छे से निकल रही है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है और ये बन जाएगी। तो इसको अभी निकाल लेंगे। ये आप लोग देख सकते हो कितना सारा बन के तैयार है, अभी थोड़ा सा गर्म है। तो ठंडे होने के बाद धान को हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये देख सकते हो कितना सारा बन के तैयार हो गई है। तो इसका जो अभी धान है इसको एक्स्ट्रा करना है, और जो खोई है इसको एक्स्ट्रा करेंगे। इसी तरह हम निकाल देंगे। पहले इसको हम छान लेंगे। ये देख सकते हो आप, ये बेम्बो का छालनी, ऐसे बड़ा बड़ा होल है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम ऐसे घुमाएंगे जैसे हम आटा छालते हैं वैसे ही। और नीचे आप लोग देख सकते हो धान कितना अच्छे से नीचे मतलब गिर रही है, और जो खोई है वो ऊपर ही रह जाएगी। इसी तरह ऐसे हाथ से मसल लेना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मचलना है क्योंकि नहीं तो टूट जाएगी। ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छे से धान निकल रही है। इसी प्रोसेस से करना है। और अभी देख सकते हो आप लोग बहुत ही कम हो गया धान, नीचे निकल गई है। उसके बाद जो एक दो रह गया है उसको हम एक एक करके ऐसे अच्छे से देख के धान को निकाल देंगे। इसे आप लोग देख सकते हो मैंने एक खोई ले लिया, इसके ऊपर धान लगा हुआ है, तो इसको ऐसे हटा देंगे। क्योंकि अगर एक दो ऐसे धान मतलब लगा हुआ होगा हम अगर खाएंगे तो गले में लग सकती है, इसीलिए। तो इसी तरह से अच्छे से खोई को निकाल देना है। आप लोग देख सकते हो कितना सारा हमने तैयार कर लिया खोई को। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। हमारे आसाम में तो इसको खोई बोलते हैं। इसको मुरमुरा के साथ मिक्स करके दूध में डाल के खाने से बहुत ही टेस्टी लगती है, ये देख सकते हो आप लोग। बहुत सारा बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये खोई का रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को और एक दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे निकाल लेना है धान को, और यह हमारा खोई बन के तैयार हो गई है। बहुत सारा बन के, क्योंकि ज़्यादा ही बनाया था, और मतलब धान बेचने के बाद थोड़ा ही बन जाती है, ये आप लोग देख सकती हो। इसको हम अच्छे से अभी डब्बे में भर के रख देंगे ऐसे, ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए, हवा भरने से सॉफ्ट हो जाएगी इसीलिए।